हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन्ना की रसोई में। आज हम बनाएंगे तेले गुड़ का तिलपट्टी। ये जो मिठाई है और ये जो तिलपट्टी है बहुत ही जल्दी बनता है। इसे बड़े बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं, बहुत आसानी से। तो इसे बहुत झटपट बनने वाला ये तिलपट्टी है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ दो ही तीन चीज़ से बन मिल के बना है और ये बहुत सॉफ्ट बना है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैनेजमेंट का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, तिल का और गुड़ का। तो जितना हम तेल ले रहे हैं उतना ही गुड़ लेंगे। मतलब एक बर्तन हम या कटोरी सेट कर लेंगे, उसी कटोरी या फिर कप से हमें बराबर बराबर मैनेजमेंट ले लेना है। तो जिस कटोरी से हमने तिल लिया है उसी कटोरी से गुड़ भी लेंगे। तो तिल हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है और इसे तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक ये तड़क चटकने ना लगे या थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अगर आप देखेंगे तो तिल थोड़ा फूला फूला दिखने लगेगा। तो ये देखिए तिल भी फूल गया है। अभी इसे हम हटा लेंगे, एक बर्तन में निकालेंगे और इसी पैन में हमने एक कटोरी भर के गुड़ ले लिया है। गुड़ आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि कोई एक गुड़ गुड़ या देसी गुड़ या फिर कोई भी गुड़ आप बना सकते हैं। उस गुड़ से एक ब्राउन कलर का गुड़ आता है, वो तिल पट्टी का ही गुड़ होता है, बट आप कोई भी गुड़ से बना सकते हैं। इसमें 2 चम्मच सिर्फ पानी डालना है और इस गुड़ को हमें पिघलने देना है। गैस को यहाँ पे हाई रखना है जिससे फटाफट गुड़ पिघल जाए और थोड़ा ठीक होने सो जाए। तो जैसे आप 1 मिनट या ज़्यादा समथिंग 1.5 मिनट तक जैसे आप ऐसे चलाते हुए कंटिन्यू गैस को हाई करके पकाएंगे ना, तो फटाफट से बॉयल आ जाएगा और गुड़ भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसे गुड़ पाक जो पाक बनाना रहता है ना, ये बहुत ही जल्दी बनता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से अगर आप चलाते रहेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस को लो करेंगे और इसमें डालेंगे हम, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ इलायची पाउडर डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है और यहाँ पे गैस को लो कर देना है, हाई नहीं करना है। ये फटाफट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम एक ऐसे चेक करना है। तो एक बॉल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डालेंगे और ये जैसे गोली अगर ऐसे हाथ से बनाएंगे और कड़क हो जाएगा, और इसे नीचे अगर पटकेंगे ना जमीन पे तो ये कड़क आवाज निकलेगी। तो समझ लीजिएगा कि मेरा ये गुड़ का पाक ना बनके तैयार हो गया है। तो इसमें फटाफट से हमें ऐड कर देना है चुटकी भर या 1/4 चम्मच इसमें खाने का सोडा डालना है। इससे जो गुड़ होता है ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इसे बड़े बुजुर्ग भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। और इस गुड़ में साइन लाने के लिए हमें 1 चम्मच देसी घी डालना है जिससे गुड़ में अच्छे से साइन आ जाए और देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो बस इसे भी हमें मिक्स करना है। और जैसे गुड़ अगर पाक हमारा तैयार हो चुका है तो इसमें फटाफट से हमें तेल डाल देना है। ये 2-3 प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है जिससे ये बहुत जल्दी थिक ना हो जाए। और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा लेट भी करेंगे तो ये कड़क हो जाता है गुड़। तो इसके वजह से इस ये प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट करना है। तो हमें इधर एक बर्तन को तैयार रखना है, इसमें थोड़ा सा घी लगा के, जिससे अगर हम इसे हटाएंगे या गैस को बंद करेंगे तो फटाफट से हमें उसमें पलट देना है जमाने के लिए। तो देखिए गुड़ भी कड़क हो गया है, मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं और गैस को फटाफट से बंद कर देते हैं। तो हमने एक थाली ले लिया है और थाली में 1/2 छोटा चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है और इसे फटाफट से घिस लेंगे। इसी क्या होता है कि जो हमारे तिलपट्टी होता है ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो बस जैसे हमने घी को घस लिया है उसे फटाफट से हम इसमें पलट देंगे। ये देखिए हमें फटाफट से इसमें पलट देना है और इसमें इसको सेप देने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये इतना जल रहा है कि अगर हम छुए हाथ से तो फटाफट जल भी जाएगा। तो इस तरीके से हमें पलट देना है थाली में और थाली को थोड़ा सा घुमा देना है या थोड़ा सा पलट देना, पटक देंगे ना तो ये अपना शेप ले लेता है। नीचे घी लगा है तो टेंशन नहीं है, आराम से सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये छूट जाएगा। ये देखिए हमें कुछ तरीके ऐसे कर देना है, ये अपना शेप ले लेगा। तो बस थोड़ा सा हिलाने के बाद इसे छोड़ देना है 2 से 3 मिनट तक, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसको कट करके अपना शेप दे देना है। तो इसे आप जैसे जैसा काटना चाहते हैं वैसा काट सकते हैं, या फिर अगर आप इसका लड्डू भी बनाना चाहते हैं तो जब हम गैस फिर से इसको निकाले हैं, उतारे हैं थाली में पलटने के लिए, उसी थाली में पलटते टाइम ही गर्मा गर्म हमें फटाफट से गोल बना लेना है लड्डू जैसा। तो बस इसको हमें शेप दे देना है इस तरीके से चाकू से। और बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जब हम इसे कट कर रहे हैं तो ये गर्म होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फटाफट ये जम जाता है तो इसको काट नहीं पाएंगे, फिर इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इसे गर्मा गर्म रहेगा तो इसको हम एक अच्छा सा शेप देंगे बर्फी जैसा। तो इस तरीके से हमें चाकू से कट कर लेना है, फिर इसे छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही एकदम ठंडा हो जाएगा तो ये आराम से अपने आप निकल जाएगा। तो ये ठंडा हो चुका है, हमने एक प्लेट में निकाल रहे हैं इसको। ये देखिए
एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल बर्फी जैसा, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जिससे आप बड़े बुजुर्ग भी बहुत आराम से खा सकते हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाला तिलपट्टी बन के तैयार हुआ है। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो बस तिलपट्टी की रेसिपी मेरे बन के तैयार हो गई है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे मेहनत का फल आप लोग दे सकते हैं एक लाइक करके। तो बस इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है तिलपट्टी। तो मकर संक्रांति पे एक बार इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।